शुभ प्रभात। मेरा नाम वेदिका वाले राव है। मैं कक्षा तीसरी बा में पढ़ती हूँ। आज हम सब एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। उस नाटक का नाम है शेकीबाग मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था और शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। इतने में मक्खी वहां आ पहुंची और शेर के कान में जाकर भीम भीम करने लगी। शेर ने पंजा उठाया, उसे भगाया। फिर से वो आकर शेर के कान में भीम भीम करने लगी। अब शेर को गुस्सा आया। दोहरा डोरने में तुझे जान से मार दूंगा। छी छी छी, जंगल के राजा, मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने गुस्से से मक्खी से कहा, दुर्हट, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मुझे जवाब देती है। सामने से मक्खी को एक हाथी मिला। ए हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को अभी अभी हराया है। हाथी ने मन में ही मन सोचा, पागल मक्खी से कौन बहस करे। हाथी ने सूंड ऊपर करके मक्खी को प्रणाम किया और हाथी चला गया। सामने से आई हुई लोमड़ी ने यह सब देख लिया था और वो मंद मंद में मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को और विशाल हाथी को हराया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और धीरे से बोला, धन्यवाद।